नमस्कार दोस्तों, आपका प्रत्यक्ष और अभिनंदन क्लासेस जोधपुर में स्वागत है। अभी 14 दिन तक लॉकडाउन है, इसलिए सभी विद्यार्थी अपने घर पर बैठ करके जो साइंस, रीजनिंग और कुछ गणित के टॉपिक भी हैं जिनके बारे में अध्ययन कराऊंगा, ये सभी टॉपिक जो है राजस्थान में आरपीएससी भर्ती जो है और रेलवे है और कांस्टेबल है, पटवारी है, इन सभी के अंदर आपका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए इधर मैं टॉपिक जो है, पहला टॉपिक घड़ी से प्रारंभ करते हैं। घड़ी एक रीजनिंग का टॉपिक है जिनके बारे में अधिकतर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। देखिए घड़ी के अंदर जो सुई है अंदर, उनसे संबंधित कौन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिये सबसे पहले मैं अंदर पहली नंबर एक जो सबसे छोटी सुई है जिसको अपन आवर्स वाली सुई या घंटे वाली सुई कहते हैं, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। देखिए घंटे वाली सुई को टोटल राउंड करने में 12 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 12 घंटे। और आपको यह भी पता होगा कि किसी भी बिंदु के चारों तरफ जो है टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, तो अपन मोटे तौर पर कह सकते हैं 12 घंटे में ये टोटल जो है कितने डिग्री का कोण बना देगी? 360 डिग्री। फिर हम बात करें कि 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है तो एक घंटे में कितना बनाएगी, तो 360 पर 12 का अपन भाग देंगे तो बनेगा 30 डिग्री। कितना बनेगा? 30 डिग्री। तो याद रखने वाली बात क्या है कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा, ये मूल रूप से आपको याद रखना है। सेकेंड क्या बात याद रखनी है आपको कि यदि एक घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट में भी कितना बनाएगी? 30 डिग्री। तो एक मिनट में बनाएगी 30/60 यानी कुल मिला के आधा डिग्री का कोण। तो अपन याद क्या रखेंगे कि एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा। तो मूल रूप से दो ही बातें याद रखनी है आपको, नंबर एक, एक घंटे में कितना बनाएगी? 30 डिग्री। और नंबर दो, जो एक मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। ये बातें दो याद रखूंगा। तो मैं सभी चीजें हटाकर इन्हीं दो चीजों को मैं लिख देता हूं कि सबसे पहले मुझे क्या लिखना है कि घंटे वाली सुई जो है एक घंटे में 30 डिग्री बनाती है, और सेकंड लिखा मैंने वही घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। अब इनसे सवाल क्या बनता है? देखिए सवाल क्या बनेगा कि मैंने लिखा 4:50 पर आवर्स वाली जो है सुई कितने डिग्री का कोण बनाए, ये सवाल है। तो देखिए घर हमें पता है एक घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना बनाएगी? 4×30 यानी बना 120 डिग्री। एक मिनट में आधा डिग्री, तो 50 मिनट में कितना बनाएगी? 50×आधा, इसका मतलब 50 का आधा कितना होता है? 25 यानी बनाएगी 145 डिग्री। तो ये सवाल हो गया। देखिए सेकंड और एक और सवाल करते हैं अपन कि 10:20 पर आवर्स वाली सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए ये है आवर्स, ये है मिनट, तो अपने को पता है एक घंटे में 30 डिग्री, तो 10 घंटे में 10×30 300 डिग्री सेकंड। एक मिनट में यदि आधा डिग्री, तो 20 मिनट में, तो 20×आधा यानी 10 डिग्री कोण, यानी टोटल कितना हो गया? 310 डिग्री। इस तरह हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हमें इंपोर्टेंट बात क्या याद रखनी है, एक घंटे में कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री। और एक मिनट में आधा डिग्री कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। वापस एक बार सवाल देख लें कि 4:50 पर आवर्स वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो अपने का एक घंटे में 30, तो 4×30 120। एक मिनट में आधा डिग्री, तो 50 का आधा 25, दोनों का अपन टोटल कर लेंगे 145 डिग्री। सेकेंड अपन ने सवाल कहा कि 10:20 पर घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो हमें पता है एक में 30, तो 10×30 300, और 20×10 दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो 310। सेकेंड एक और सुई की बात करते हैं अपन, जो
इसे अपन मिनट वाले सुई कहते हैं। तो देखिए मिनट वाली सुई के लिए भी अपन कर लेते हैं साथ साथ। तो देखिए मिनट वाली सुई क्या करती है, तो अपन ने कहा ये लिखा मिनट वाली जो है सुई है वो पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगाती है, एक घंटा लगा देती है। एक घंटे में वो टोटल बनाएगी 360। तो अपन ने कहा एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो अपन ने कहा 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में बनाएगी 360। तो एक मिनट में बना देगी 360/60, दोनों को मैंने हटाया तो 6 डिग्री। तो अपन ने देखा एक मिनट में 6 डिग्री बनाएगी। मिनट के लिए केवल मैं तो मिनट का भी सेकंड का बाई सेकंड भी पूछ भी ले। तो देखिए एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो अपन ने 60 सेकंड का कहा 6 डिग्री और एक सेकंड में हुआ 6/60 यानी हुआ 1/10। पर तो केवल मिनट का ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर मूल रूप से हमें क्या याद बात याद रखनी है, तो अपने आया एक घंटे में 360 डिग्री, 60 मिनट में 360, एक मिनट में 360/60 6 डिग्री, एक मिनट में हो गया 6 डिग्री। इंपॉर्टेंट यही याद रखना। तो देखिए इधर मूल रूप से मुझे क्या याद रखना है वो बातें करते हैं। तो देखिए इधर दो है घड़ी में सुई जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है। देखिए एक तो है आवर्स वाली और दूसरी है मिनट वाली। आवर्स वाली के लिए अपन ने दो चीजें निकाली, एक घंटे में 30 डिग्री और एक मिनट में आधा डिग्री। और इसी प्रकार मिनट वाली सुई के लिए भी अपन ने निकाला एक मिनट में 6 डिग्री। ये तीन मूल रूप से याद रखते हैं। देखिए इधर यानी अपने एक लिखा कि एक घंटे में 30 डिग्री, एक मिनट में आधा डिग्री और एक मिनट में 6 डिग्री। तो इसका सवाल क्या है जब आता है वो देखिए इधर वापस अपने एक सवाल को ले लेते हैं। जैसा अपन ने कहा कि 3:20 पर दोनों सुई इनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये सवाल। यानी 3:20 पर दोनों जो सुई है उनके मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो अपन कैसे करेंगे इसे, तो अपना सीधा सा तरीका है कि अपन पहले आवर्स वाले के लिए निकाल लेते हैं 3:30 यानी कितना बना 90 डिग्री। और फिर अपन ने कहा सेकेंड पार्ट 20 × 20 का आधा कितना होता है 10, यानी दोनों मिला के कितने डिग्री का कोण बनाएगा 100। ये कौन से सुई के लिए है, आवर्स वाली सुई के लिए। सेकंड देखें इधर मिनट के लिए देख लेते हैं, मिनट में क्या होगा, मिनट में हो गया सीधा सा कि जितने मिनट दे रखे हैं उसे 6 से गुणा करो यानी कितने डिग्री का बना 120 डिग्री। और जब मध्य की बात हो तो दोनों का अंतर करेंगे, क्या करेंगे अंतर। तो अपन ने कहा 120 - 100 तो आंसर हो गया कितना 20 डिग्री, यानी दोनों सुई के मध्य कितना आंसर हो गया 20 डिग्री। सेकंड अपन ने इसे एक फॉर्मूले द्वारा भी निकाल सकते हैं, एक प्रिय तरीका जो मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला क्या वो देखें। देखिए एक फॉर्मूला कैसे बनता है, 11:60 का मतलब हो गया कि जब हम दर्पण भी सवाल करेंगे तो अपन वहां 11:60 में सभी चीज को घटाएंगे, पर तो यहां पर 11:60 का मतलब 12 घंटे। ये क्या है आवर्स, तो उसको उल्टा मिनट से गुणा करें, ये है 60 यानी मिनट होते हैं उसको आवर से गुणा करें, उनको घटा करके दो का भाग दें, तो ये मध्य जब भी पूछा जाएगा उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो देखिए इधर 11 × यहां मिनट कितने दे रखे 20, तो मैंने इसको 20 से गुणा कर दिया। 60 × आवर्स कितने दे रखे हैं 3, मैंने 3 से गुणा कर दिया दोनों को, 2 से भाग दिया। जब मैं इसको इससे करूंगा तो आएगा 220 और इसको इससे करूंगा 180/2। जब इनके अंदर जब इन दोनों को आपस में घटाऊंगा तो आएगा 40/2 यानी आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। यानी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अपन, और ये तरीका जिसे हमें बेसिक पता है एक घंटे में 30 डिग्री, आधे में जो एक मिनट में आधा डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। यदि फॉर्मूले याद है वेरी गुड, यदि फॉर्मूले याद नहीं रहे तो हम इस तरीके से भी कुछ भी निकाल सकते हैं, राइट। आज ये सीखिए अपन ने कि इसको कैसे कैसे सवाल, दोनों मिनट और आवर्स के कैसे कैसे सवाल बनते हैं जिनके बारे में आपको बताया। देखिए एक और सवाल कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
जैसे मैंने लिखा नंबर एक 10:50 पर, तो अपन फॉर्मूले से करते हैं, तो अपन ने लिखा 11 × 50, फिर अपन ने कहा 60 × आवर्स कितने 10/2, दोनों का गुणा कितना हुआ भाई 550, और ये हो गया 600/2, इनको मैंने घटाया तो कितना बच गया 50/2 यानी 25 डिग्री। यहाँ पर ऋणात्मक यानी 550 में से यदि 600 में घटाता हूँ तो ऋणात्मक मान आएगा, परंतु यहाँ पर ये है कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक मान आया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आपको तो सीधा सा है, बड़ी राशि में से छोटी राशि घटानी है, जो भी मान आए उसमें 2 का भाग देना है और जो आंसर आए वो एकदम सही है। अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए दूसरे तरीके से क्या आंसर आएगा, यानी 10 × आवर्स के लिए किससे गुणा करेंगे 30 से, तो हो गया 300, और मिनट है 50, 50 × 25 डिग्री, तो यानी 325 डिग्री। सेकंड मिनट के लिए भी कर लेते हैं, 50 × 6 यानी हो गया 300 डिग्री, बड़ी राशि 325 माइनस 300 आंसर हो गया 25 डिग्री। तो देखिए इधर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, एक ये तरीका बेसिक पता है और एक फॉर्मूला जिसके आधार पर भी पता लगा सकते हैं। तो इसे ये एग्जाम में बहुत बार सवाल आया हुआ जिसके बारे में मैंने बताया, जिसको भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछ। देखिए दूसरा एक टाइप का ये हो गया घड़ी के अंदर जो कोण से संबंधित पूछा जाता है, सेकंड क्या पूछा जाता है वो देखते हैं। एक आपसे पूछा जाता है घड़ी के अंदर दर्पण को लेकर के, दर्पण देखिए तो दर्पण का निर्माण भी बता देता हूं मैं साथ साथ कि कोई भी दर्पण का निर्माण जो है पारदर्शी पदार्थ हो, उस पारदर्शी पदार्थ के पीछे चांदी निकल और पारे का लेप किया जाए तो उसे दर्पण का निर्माण होता है। और दर्पण जब भी बनता है तो याद रखना जब मैं पास में दर्पण रखूंगा तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा उसके अंदर, और प्रतिबिंब की 100% यही शर्त है कि जो मेरा दायां है वो बायां में बदल जाएगा, जो बायां है वो दायां में बदल जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को आधार मान करके घड़ी में सवाल पूछ रहे हैं। देखिए अगर जब सामान्य दर्पण हो जाए, जब दर्पण में अलग चीज है, जब सामान्य दर्पण की बात करूं मैं तो सामान्य दर्पण में क्या है, जब सामान्य दर्पण में बात समय आ जाए तो 1 से 11 यदि समय दे रखा हो तो हमें 11:60 में से घटाना है दर्पण के लिए, और समय 11 से 1 के बीच में दे रखा हो तो उसे हमें 23:60 में से घटा करके प्रतिबिंब का समय निकालना। देखिए 11:60 इसलिए करते हैं, ये सीधा सा 12 घंटे ये 24 घंटे, परंतु अपने घटाने में सहूलियत हो इसलिए 11:60 और 23:60 लिखा मैंने। तो सीधा से एग्जाम में देखो सवाल पूछा जाता है, यदि घड़ी में 8:20 हो तो उसके दर्पण में क्या समय होगा, तो देखिए 8:20 किसके बीच का समय है 1 और 11 के बीच में, तो हमें सीधा से किसमें से घटाना है 11:60 में से, तो अपने 11:60 में से घटा दिया और सीधा आ गया 40 और 8 में से 3 गए, सॉरी 11 में से 8 गए तो कितने बच गए 3, आंसर हुआ 3:40। सेकंड इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए आपसे पूछा जाए 11:20 को तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो ये इसके बीच का समय है तो अपन 23:60 में से घटाएंगे इसे, ये तो 23:60 में से मैं सीधा ही घटा देता हूं, ये रहा 40 और ये रहा 12, आंसर है 12:05। ये है सामान्य दर्पण, सामान्य दर्पण वापस एक बार देख ले, सामान्य दर्पण में 1 से 11 के बीच में समय हो तो उसे 11:60 में से घटाएंगे और 11 से 1 के बीच में समय दे रखा हो तो 23:60 में से घटाएंगे। दोनों के मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखे हैं, नोट कर लेना ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक आधा है सामान्य दर्पण और दूसरा है जिसको अपन जल दर्पण कहते हैं। देखिए जल दर्पण का भी कर लेते हैं, जल दर्पण ये लो जल दर्पण, जल दर्पण में दाएं बाएं में पथ परिवर्तन नहीं होता, ऊपर नीचे में परिवर्तन होता है, यानी इसमें अपन करने का वही तरीका, यदि समय 1 से 6 के बीच में दे रखा हो तो उसे 6:30, कई बार 30 में से घटाने में समस्या हो तो वहां पर अपन 5:90 का प्रयोग करेंगे, और समय 6 से 1 के बीच में दे रखा हो तो उसे अपन 18:30 या समस्या घटाने 30 में तो 17:90 में से घटाएंगे।
ये आपको याद रखना है, इसके लिए जल दर्पण के लिए। वापस एक बार देखते हैं, समय 1 से 6 के बीच में दे रखा हो तो अपन 36 या 5.90 में से कटाएंगे। 5.90 का कब प्रयोग करेंगे, जब 6:30 से ज्यादा समय दे रखा हो। फिर 18:30 में से यदि अपन 6 से 1 के बीच में समय दे रखा हो तो 18:30 या 17:90 का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले इसका लेते हैं 6:30 का समय दे रखा हो, समझ लो 2:45 45 तो ज्यादा हो जाएगा, अपन पहले 25 का लेते हैं, 2:25 तो अपने 6:30 में से 2:25 सीधा सा कटाना है तो आ गया 0:05 और ये आ गया 4। पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड इसका कैसे एग्जांपल बनाएंगे, सबसे पहले अपन ने कह दिया समय हो गया 4:45 तो ये 30 से ज्यादा है 45 तो अपन 5:90 का प्रयोग करेंगे, ये हो गया 5:90 45 यानी आंसर होगा 1:45। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन 18:30 यानी अपन एग्जाम में आ गया कि 9:10 हो तो क्या करना है, तो 9 का बीच में 6 से 1 के बीच में तो 18:30 में से घटाएंगे अपन तो हो गया 20 यानी 9:20। लास्ट एग्जांपल 17:90 का कैसे बनाना है, मैंने लिखा 10:40 को तो ये 30 से 40 ज्यादा है तो अपन प्रयोग किसका करेंगे 17:90 का, तो आया 50 और ये हो गया 7:50। चारों के एग्जाम्पल बता दिए मैंने, जल दर्पण के 4 के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला यदि 1 से 6 के बीच में समय दे रखा हो तो 6:30 या 5:90 में से घटाएंगे, समय हो गया 2:25 का, जल दर्पण समय क्या होगा 6:30 में से घटाए तो आंसर है 4:05। फिर मैंने कहा दूसरा एग्जाम्पल 4:45 के जल दर्पण का समय क्या होगा, 30 से 45 ज्यादा है तो अपन 5:90 का प्रयोग करेंगे, 90 में से 45 बताया अपन ने तो 45, 5 में से 4 गए 1 एक हो गया 1:45। सेकंड अपन देखते हैं 6 से 1 के बीच का एग्जांपल कैसे होगा, तो अपन ने कहा यदि 9:10 हो तो जल दर्पण का समय क्या होगा, तो अपन ने कहा 10 छोटा है, 18:30 का प्रयोग किया, 18:30 में से 9:10 गए तो 9:20। सेकंड अपन ने कहा कि यदि 30 से ज्यादा हो तो एग्जांपल लिया अपन ने 10:40 तो 40 ज्यादा है इससे, इसलिए अपन ने 17:90 में से घटाया, आंसर हो गया 7:50। तो आज अपन ने दो प्रकार के, एक तो कौन से संबंधित सवाल सीखे, एक दर्पण से संबंधित, इनके और भी एग्जांपल और भी बहुत सारे सवाल है घड़ी से संबंधित जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें आएगा, तो आप जरूर जो है सब्सक्राइब करें। प्रत्यक्ष क्लासेज अभिवंदन क्लासेज जो है जोधपुर में है, बहुत अच्छी संस्था है, जैसे आप सब जने जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा का फायदा है। थैंक यू।